नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती नीलकंठ ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज के ज्योतिष का कार्यक्रम अति महत्वपूर्ण रहेगा। 27 जनवरी को छाया ग्रह राहुदेव मृगशिरा नक्षत्र से निकल जाएंगे और रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 27 जनवरी से लेकर 5 अक्टूबर तक रोहिणी नक्षत्र में ही रहेंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। जब राहुदेव नक्षत्र का परिवर्तन करेंगे तो कौन सी ऐसी 6 राशियां हैं जिन पे राहुदेव की बरसेगी कृपा और उनको शुभ फल देंगे। कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी कि जिन 5 राशियों को सावधान हो जाना चाहिए। आज मैं बताऊंगा कि कौन सी राशि है जिनके लिए शुभ फलदायक रहेगा। दर्शकों, वैसे तो राहुदेव को समझ पाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि जितने भी गैर परंपरावादी काम होते हैं, जितने भी नशे की वस्तुएं होती है, नशे की चीजें होती हैं, फंसना होता है, कहीं पे भी षड्यंत्र होती है, चोरी होती है, कुछ भी बुरे काम होते हैं, किसी भी नशे की लत लगना होता है, उन सब में कहीं ना कहीं राहु देव का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपके रिलेशन को खराब करना, आपके रिलेशन में ब्रेकअप करवाना, फिर वापस से पैचअप करवाना, मल्टीपल अफेयर करवाना, आपको शादी के बाद कहीं ना कहीं दूसरा बहुत मल्टीपल अफेयर करवाना, वो राहु के हाथ में। जुआ, लॉटरी, सट्टा, यहां तक कि ड्रिंक करवाना, वो सब राहु के हाथ में। जितने भी ये सब बुरे काम है वो राहु के हाथ में। राहु देव वृषभ राशि और मिथुन राशि में उच्च के माने जाते हैं, और वहीं वृश्चिक राशि और धनु राशि में नीच के हो जाते हैं। कन्या राशि में राहु देव अपने आप को सदा उच्च के समझते हैं और अच्छे फल देते हैं। अब जानते हैं कि जब यहां पे नक्षत्र का परिवर्तन करेंगे तो कौन सी राशि को शुभ फल देंगे। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि से राहुदेव आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा आपके चौथे घर के मालिक हैं। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ये आपकी जन्म की राशि, आपकी चंद्र राशि और आपके नाम की राशि पर आधारित रहेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं कहूंगा अपनी जन्म कुंडली में दशा महादशा को चेक करें कौन से ग्रह की चल रही है, साथ ही साथ ये भी चेक करें ग्रहों की स्थिति क्या है। अब मेष राशि से आपके सेकंड हाउस में राहु है, सेकंड हाउस होता है धन का, कुटुंब का, वाणी का, चौथे घर के नक्षत्र में गोचर करेंगे। धन में वृद्धि करेंगे राहुदेव, एकदम से अचानक से कोई वृद्धि होगी, कोई ऐसी चीज थी आपकी जो रुकी हुई थी, धन से लेकर रुकी हुई थी आपकी प्रॉपर्टी, कहीं बिकना कहीं बंद था, कोई पैसे आपके अटके हुए थे, तो वो कहीं ना कहीं राहुदेव यहां से निकाल के देंगे आपको। 27 जनवरी से लेकर 5 अक्टूबर तक आपके धन में वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि डेली इनकम का है, आपका बिजनेस है, तो उसमें मेष राशि वालों को अब उछाल देखने को मिलेगा। अपनी वाणी से अगर कोई आप पैसा कमाते हैं वो आपके लिए अति उत्तम रहेगा, वहां पे फायदा अच्छा होगा। काउंसलिंग, एडवाइजर, प्रोफेसर, टीचर, वहां पे आपको फायदा अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन मैं कहूंगा कि कुटुंब और परिवार में थोड़ा बहुत यहां पर आप संभल कर चलिएगा, कुछ तनाव का विषय हो सकता है, तो वो देख के चलेगा। उसके बाद अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि में राहुदेव आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस होता है त्रिशडाय, सबसे अच्छा फल देते हैं राहुदेव 11th हाउस में और चंद्रमा के नक्षत्र में, आपके राशि स्वामी के नक्षत्र में। काफी समय से डिजायर्स आपके वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, काफी सारी चीजों के बारे में सोच रहे थे कि मेरी नौकरी कब अच्छी लगेगी, मेरा बिजनेस कब से शुरू अच्छा होगा, मेरे प्रेम और प्यार में राहुदेव ने जो मेरे प्रेम प्यार में अच्छे तरीके से तालमेल में कमी कर रखी है वो कब सही होगा, राहुदेव बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं मेरे रिलेशन में, मेरे वैवाहिक जीवन में, वो कब अच्छा होगा। अब जब राहुदेव नक्षत्र का परिवर्तन करेंगे तो अब अच्छा होगा, भाग्य में वृद्धि होगी। सबसे बड़ी बात, आपको प्रॉफिट अच्छे होने लग जाएंगे, क्योंकि 11th हाउस होता है प्रॉफिट का, डिजायर्स का, डिजायर अच्छे होने लग जाएंगे। जो चीज आप खरीदना चाहते हो अब वो चीज आप खरीद के ही रहेंगे जब राहुदेव का नक्षत्र परिवर्तन होगा। बड़े भाई बहन को भी लाभ अच्छा देखने को मिलेगा, कोई लंबी यात्रा भी हो सकती है, लेकिन मैं कहूंगा शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में फायदा अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद अगली राशि की बात करते हैं, सिंह राशि। सिंह राशि से राहुदेव आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा आपके 12th हाउस के मालिक। काफी समय से मैं कहूंगा सिंह राशि वाले अगर कोई नौकरी में प्रमोशन लेना चाहते थे या फिर फॉरेन ट्रैवलिंग की सोच रहे थे या फिर साथ ही साथ ये चाहते थे कि मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करूं लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो अब अच्छा होगा। जब चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे तो 12वें घर का भी रिजल्ट देंगे। यहां पे मैं कहना चाहता हूं आपको कि आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग भी हो सकती है, फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकता है, आप अपने घर में, अपने घर परिवार में जो कलेश, जो कहीं ना कहीं कलेश बन रहा था वो सब सही हो जाएगा यहां पे। साथ ही साथ यहां पे मैं कहना चाहता हूं नए आइडियाज आपके मन में आएंगे,
नए आइडियाज आपके मन में आएंगे जिससे आपको काफी फायदा अच्छा देखने को मिलेगा, डेली इनकम अच्छी होगी। ऋण रोग शत्रु जो आपके ऊपर हावी हो रहे थे वो सब अब आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, स्वास्थ्य आपका सही हो जाएगा, भाग्य में वृद्धि अच्छी देखने को मिलेगी सिंह राशि वालों में। उसके बाद दर्शकों अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि से राहुदेव आपकी राशि से 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा आपके 11th हाउस के मालिक हैं, 63 भाव के लाभ भाव के। यहां पे मैं कहना चाहूंगा आपके भाग्य में काफी समय से अड़चने आ रही थी, आपके पिता से आपके तालमेल अच्छे नहीं हो रहे थे, आपके पिता के नौकरी में भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपके भाग्य में भी अड़चने आ रही थी। कुछ ऐसा काम करते हैं आप जैसे जुआ, लॉटरी, सट्टा, डेली इनकम का, बिजनेस का, जहां पे भाग्य की बहुत जरूरत होती है लेकिन वहां आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तो यहां पे मैं कहूंगा अब भाग्य में वृद्धि होने लग जाएगी। क्योंकि सबसे पहले तो राहुदेव भाग्य स्थान में, भाग्य में अड़चने करते हैं, उन्होंने अड़चने कर ली है जब सूर्य के नक्षत्र में थे, जब मंगल के नक्षत्र में थे तब उन्होंने जो अड़चने करनी थी वो कर ली है। अब यहां पे भाग्य में वृद्धि होगी, अचानक से आपको ऐसे लगेगा कि कहीं ना कहीं भाग्य मेरा साथ दे रहा है, कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, प्रमोशन काफी टाइम से रुका हुआ है तो प्रमोशन अच्छा हो जाए, प्रमोशन हो जाएगा, कार्य क्षेत्र को बदलना चाहते हैं तो कार्य क्षेत्र बदलने का सही समय, परिवार में आपके घर परिवार में कुछ कलेश चल रहा था, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ कलेश चल रहा था या वैवाहिक जीवन में कलेश चल रहा था, तो उन सब चीजों से अब बाहर निकलेंगे यहाँ पे कन्या राशि वाले। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि में राहुदेव आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं आपकी राशि से और चंद्रदेव आपके 7th हाउस के मालिक है। पंचम भाव होता है संतान का, शिक्षा का, प्रेम प्यार का, बुद्धि का। यहां पे मैं कहना चाहूंगा काफी समय से राहुदेव ने आपकी जो बुद्धि है, आपका जो माइंड है वो रोक के रखा हुआ था, समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था अच्छे से, यहां तक कि प्रेम और प्यार में भी राहुदेव ने कहीं ना कहीं बहुत सारे ट्रबल्स कर रखे थे आपके आपके रिलेशन में। दो दिन बात होती है फिर 3 दिन ब्रेकअप होता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी जितना आप कोशिश कर रहे थे उतना आप यहां असफल हो रहे थे। तो यहां पे मैं कहूंगा राहुदेव का जो नक्षत्र का परिवर्तन होगा सबसे पहले आपके शिक्षा में वृद्धि करेगा। आपको संतान पक्ष को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी, संतान की प्लानिंग कर रहे थे लेकिन संतान नहीं हो पा रही थी, कंसीव नहीं हो पा रहा था, तो अब यह समय काफी अच्छा रहेगा आपके संतान पक्ष को लेके, आपके शिक्षा को लेके, आपके प्रेम प्यार को लेके, साथ ही साथ आपके प्रॉफिट को लेके। राहुदेव की दृष्टि 11th हाउस में पड़ रही है, 11th हाउस होता है प्रॉफिट का, लाभ का, अब लाभ अच्छा होने लग जाएगा। राहुदेव की दृष्टि आपके भाग्य स्थान में भी पड़ रही है, भाग्य में मैं कहूंगा अभी भी थोड़ा बहुत अड़चने देखने को मिलेंगी, कहीं ना कहीं अड़चने मिलेंगी, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा रहावे नमः का जाप करें। लेकिन जो समय पहले था कि आपको परेशानी मिली थी, डिप्रेशन की तरफ थे, मानसिक तनाव की तरफ थे, सही रास्ता सही प्लेटफॉर्म मकर राशि वालों को नहीं मिल रहा था, अब मिलेगा, अब आपको सही रास्ता भी मिलेगा क्योंकि शनिदेव भी 9 फरवरी के बाद से अस्त से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि में राहुदेव आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, अति राजयोग। 3rd हाउस होता है 63 भाव। राहुदेव जब भी तीसरे घर में गोचर करते हैं राशि से अति शुभ फल प्रदान करते हैं। तीसरा घर होता है हमारे डेली इनकम का, तीसरा घर होता है साहस का, पराक्रम का, एनर्जी का, स्टैमिना का, छोटे भाई बहन का, छोटी यात्राओं का। हालांकि यहां पे आपकी यात्राएं जो हैं वो ज्यादा देखने को मिलेगी इस टाइम पीरियड में 26-27 जनवरी से लेकर 5 अक्टूबर, लेकिन प्रॉफिट भी अच्छा होगा, डेली इनकम भी अच्छा होगा, ऑनलाइन काम, प्रॉपर्टी का काम, बिजनेस, ये सब काफी अच्छा देखने को मिलेगा। आपके आपके कुटुंब और परिवार में अब खुशियां आने लग जाएंगी, आपके वैवाहिक जीवन में अब यहां पर जो परेशानियां चल रही थी वो सही हो जाएंगी। राहुदेव की दृष्टि आपके 7th हाउस में, मैं जानता हूं कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है आपके वैवाहिक जीवन में, कुछ परेशानियां चल रही हैं वो अब सही हो जाएंगी धीरे धीरे चलकर। और साथ ही साथ यहां पे मैं कहना चाहूंगा शिक्षा की तरफ भी अब आपका मन सही लगेगा, भाग्य में भी वृद्धि अच्छी देखने को मिलेगी, प्रॉफिट भी अच्छे देखने को मिलेगी क्योंकि राहुदेव की दृष्टि सीधे आपके 11th हाउस में पड़ रही है, एकदम से प्रॉफिट अच्छा होगा। काफी समय से पैसे अटके हुए थे, पैसे रुके हुए थे जो नहीं मिल पा रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं वो पैसे भी मिलेंगे, पैसे भी आपके अच्छे होंगे। दोस्तों ये मैंने बताया आपको राशि के नाम। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। धन्यवाद।